देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, तो मैग्नेटोमीटर क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, देखो, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें एक स्ट्रिंग से एक तुम बार मैग्नेट यहाँ से हैंग कर देते हो, और ये बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करते हो, तो इसे जो टाइम पीरियड मैग्नेटिक मोमेंट कंपेरिजन में काम आता है, वही है अपना क्या है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक बेसिकली डिवाइस है। कहता है कि आप पढ़े होगे बेसिक कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसमें मैं अगर किसी मैग्नेट को रखता हूँ, तो वो मैग्नेट क्या करता है, उस पर एक टॉर्क लगता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ से जो है वो टॉर्क लग गया, इसकी वजह से हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहना चाहेगा, इसकी वजह से ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, और इस ऑसिलेशंस का जो टाइम पीरियड है, फार्मूला आप पढ़े होगे, 2 पाई टाइम पीरियड 2 पाई I ओवर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और यहाँ से MB अंडर रूट, ठीक है ना? तो ये टाइम पीरियड आप पढ़े होगे, ये और यही वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का होता है, यही है सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में कभी कभी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ होती है, तो यहाँ VH कर देते हैं। तो चलो अब सवाल पे आते हैं। कहता है एक वाइब्रेशन मैग्नेट सॉरी मैग्नेट लगा हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जीक्यूट विद टाइम पीरियड 2, जब जब टाइम पीरियड फर्स्ट केस में 2 सेकेंड था, ठीक है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड था, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो B1 यूज किए थे, 24 माइक्रो टेस्ला यूज किए थे। अब ये कहता है यहाँ पर वे ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पहले था ही था, और एक्सटर्नल अपोजिट टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, चलो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे था यहाँ पर BH, तो BH के अपोजिट एक हमने B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो इस 2 केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो BH - B के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? तो BH कितना था, 24 तो था, और -18 उसके अपोजिट, तो जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वही तो इसको ऑसिलेट कराएगा 6 माइक्रो टेस्ला, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B2। तो ये पूछ रहे हैं अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, ये जो B2 है हमने जनरेट किया है बाई करंट कैरिंग वायर, ये वाली चीज़, तो ये पूछ रहे हैं कि ये अब न्यू टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कम हो गया है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, बात आ रहा समझ में? तो टाइम पीरियड जो बढ़ जाएगा, तो पहले टाइम पीरियड 2 था, अब 2 से ज़्यादा ही आएगा, तो 1 कभी सही नहीं हो सकता, 2 कभी सही नहीं हो सकता, या तो C सही है या तो D सही है, तो अब 50-50 तो यहीं सक्सेस हो गए हम लोग। अब कौन सा सही है इसको हम लोग सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ, तो टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्सिया टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट, तो टाइम पीरियड यहाँ से T2/T1 इज इक्वल टू यहाँ से B1/B2 और यहाँ से अंडर रूट, ठीक है? तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, देखो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 24 थी, अब आ गए 6 आ गया अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, तो अंडर रूट 4 यहाँ से 2 आ गया, तो जो T2 आ जाएगा वो आ जाएगा T1 × 2, तो T1 कितना था, T1 2 था, और ये 2 × 4 माइक्रो टेस्ला इज द सॉरी 4 सेकेंड, फोर्थ टाइम पीरियड 4 सेकेंड इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज D ऑप्शन अपना सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।